नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मेरे राधिका टोंगर के साथ और बात हो रही है टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे की, जहां टीम इंडिया चांस पे डांस करती दिखी एसेक्स में एसेक्स काउंटी के खिलाफ आखिरी मैच के आखिरी दिन पर। पर क्या ये बेस्ट मौका है टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड में एक सीरीज जीतने का? याद रखिए 2014 में इंडिया टेस्ट सीरीज हार गया था इंग्लैंड के साथ। विराट कोहली के लिए काफ़ी अच्छा दौरा नहीं था, पर इस वक्त टीम इंडिया जहां तक टेस्ट रैंकिंग्स हैं उसके एकदम प्रथम पायदान पे है। हमारी टीम, हमारे बल्लेबाज काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। गेंदबाजों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर एसेक्स के साथ जो मुकाबला खेला गया, जो इकलौता वार्म अप गेम टीम इंडिया ने खेला, उसमें कुछ कमियां दिखी और वो कमियां टीम इंडिया पूरी करनी चाहेगी जब वो एजबास्टन में अपने पहले मुकाबले की शुरुआत करती है 1 अगस्त को। हमारे साथ स्टूडियो में हैं मदन लाल और मदन पाजी। आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं एसेक्स के खिलाफ जो उन्होंने टूर गेम खेला, सवाल फिर से ओपनर्स को लेके उठता है, क्या शिखर धवन और मुरली विजय आपके ओपनर्स होंगे या फिर आप केएल राहुल की? दोनों इनिंग्स में जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी उसको देख के आप केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह देना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो मैच हुआ है एसेक्स के साथ, ये तीन पहले तो 4 दिन का होना चाहिए था ताकि और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मिल जाती, पर 3 दिन का हुआ कोई बात नहीं। पर इसमें ना देखिए जो परफॉर्मेंस रही है थोड़ी सी पैची रही है 3-4 खिलाड़ियों ने, जैसे विराट कोहली ने या राहुल ने जैसे आपने बात की, और एक मुरली विजय ने जो रन बनाए हैं, और उसके बाद 2 ही बॉलर जो है हमारे जिन्होंने विकेट निकाले, एक उमेश यादव है निशांत शर्मा। तो ओवरऑल देखा जाए प्रैक्टिस की हुई है, पर जो होनी चाहिए थी मैं समझता हूँ वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई जैसे मैचेस में होती है। बाकी चिंता वाली बात तो जरूर है कि अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं, रन बना कर जाते हैं, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बल्लेबाज को भी रहता है कि हाँ मैं रन बना सकता हूँ। अब चिंता वाली बात यह है कि दोनों बल्लेबाज जो है एक नंबर 1 का और नंबर 3 का, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मैच जरूर लो होगा, पर मेरे को लगता है कि शायद शिखर धवन को खिलाएं और पुजारा को शायद हो सकता है कि उसकी जगह पे राहुल को खिला सकते हैं, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला सकते हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि आपको 20 विकेट्स भी लेने हैं, तो उसमें 5 बॉलर का होना बड़ा जरूरी है। पर ये एक बहुत लंबा टूर है, 5 टेस्ट मैच, तो इसमें ना विराट कोहली को थोड़ी सी अपनी रणनीति बड़ी अच्छी तरह बनाने पड़ेगी, जो टीम सिलेक्शन है या जो भी है, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैच जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मदन जी, जब ये प्रैक्टिस मैच भारत ने खेला, इसमें कोशिश यही रहती है कि आप आइडेंटिफाई करें, देखें कि क्या बेस्ट 11 आपका बनता है। सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा दूसरी पारी में कि केएल राहुल से ओपनिंग करवाई गई, और अगर हम शिखर धवन की बात करें तो ना सिर्फ ये है कि वो रन बनाने में नाकामयाब रहे, वो 0 पे दोनों इनिंग्स में आउट हो गए। वनडे सीरीज में भी हमने देखा कि कोई बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की उन्होंने, वहां पे भी पैची सा परफॉर्मेंस था, रन बनाए थे लेकिन उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। क्या उस बिना पे आप केएल राहुल को लाना चाहेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने बल्लेबाजी करी दोनों इनिंग्स में काफी कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी करी और ओपनिंग भी करी उन्होंने दूसरी पारी में? नहीं देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कहा है, पर मेरे को लगता है कि शिखर धवन को मैं इसलिए सोच रहा था कि ये शायद खेल जाए, एक तो 5 रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा है उनका तो इसलिए, और दूसरा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो उनका जो वनडे सीरीज भी रहा है या टेस्ट जो अभी प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, कोई इतने फॉर्म में ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, 40-42 उन्होंने रन बनाए हैं और इसके बाद आउट भी होते चले गए। ये डिबेट तो होगा, इसमें कोई कैप्टन जो है टीम मैनेजमेंट सोचेगी तो सही, इसमें 2 खिलाड़ियों के ऊपर ये जब टीम सिलेक्शन होती है तो बात होती है किसको खिलाया जाए। अब देखते हैं कैप्टन किसका, विकेट को क्या देखना है, क्योंकि नंबर 1 और 3 का बैट्समैन जो नंबर है वो टॉप क्लास के बल्लेबाजों में आ जाते हैं, तो उसमें क्या है कि ये अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, किस प्लेयर के ऊपर।